हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग इस लेक्चर में देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में, सूचना और निजता दो अधिकारों की गाथा। यह सूचना का अधिकार या निजता का अधिकार। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि सूचना का अधिकार जो हमारा है ये 12 अक्टूबर 2005 से संपूर्ण धाराओं के साथ भारत में लागू हुआ था। इसे सूचना का अधिकार या RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, जिसका तात्पर्य होता है सूचना पाने का अधिकार। जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान कर सकता है। इस अधिकार के तहत आप लोग कोई भी सूचना किसी भी विभाग से मांग सकते हैं। सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, याद रखिए, जो विभिन्न अधिकारों तथा दायित्वों से अस्तित्व में आता है। हर व्यक्ति का सरकार, बल्कि कुछ मामलों में निजी संस्थाओं तक ये सूचनाएं मांगने का, निवेदन करने का अधिकार है। सरकार का निवेदित सूचनाओं को उपलब्ध कराने का कर्तव्य है, याद रखिए, सरकार का कर्तव्य है कि वो आप लोगों को सूचना दे। एक शर्त के साथ, याद रखिए, आप जो सूचनाएं मांगते हैं वो सार्वजनिक करने के लिए होना चाहिए। अगर कोई निजी जानकारी है तो वो आपको, जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती है, तो उसे आप लोगों को सूचना में नहीं दे सकते। तो याद रखिए इसे। चलिए अब इस आर्टिकल को देख लेते हैं। इसके पूर्व न्यायाधीश गोगोई के खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न का मामला कोर्ट ने इन हाउस समिति बनाई, जिसकी रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई। क्या आप चाहते हैं कि वह रिपोर्ट सार्वजनिक हो? उसे प्राप्त करने में सूचना का अधिकार नागरिकों का अधिकार है, हथियार है। उससे जुड़ा दूसरा सवाल भी अहम है। यदि उस केस में आप RTI के तहत उस रिपोर्ट की प्रति मांगते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी पहचान सबके सामने हो? यह सवाल लोकतंत्र में सूचना के अधिकार या RTI और निजता के अधिकार की अहमियत को उजागर करते हैं, साथ ही इन दो अधिकारों के बीच के तनाव को भी। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल से रिजर्व किया गया RTI ने से संबंधित निर्णय आया। मांग यह थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का दफ्तर भी सूचना के अधिकार के दायरे में हो। 10 साल पहले 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस भट्ट ने निर्णय दिया था कि चीफ जस्टिस का दफ्तर अन्य जजों की निजी संपत्ति की जानकारी को शेयर करने से इनकार नहीं कर सकता। इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल ने चुनौती दी और मामला दिल्ली हाई कोर्ट के 3 न्यायाधीशों के सामने आया। तीनों ने जनवरी 2010 में जस्टिस भट्ट के निर्णय को सही करार दिया। जब जस्टिस भट्ट ने निर्णय दिया, तब उन्होंने अहम टिप्पणी की, हर तरह की सत्ता की संविधान के प्रति जवाबदेही बनती है। 3 जजों की पीठ ने भी माना कि अदालती निष्पक्षता उनका विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि न्यायिक फर्ज है। फिर मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा, जहां दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी गई गया यदि न्यायाधीशों की निजी जानकारी सूचना के अधिकार कहा गया यहाँ कि न्यायाधीशों की निजी जानकारी सूचना के अधिकार के अधीन आ गई तो न्यायिक निष्पक्षता कमजोर होगी। 13 नवंबर को 5 जजों की पीठ ने इस 10 साल पुरानी बहस पर निर्णय देते हुए कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय सही थे। जजों की निजी संपत्ति की जानकारी और कॉलेजियम की कार्यप्रणाली अब सूचना के अधिकार के अधीन है। निर्णय में जज की निजी जिंदगी, पद और मुख्य न्यायाधीश के दफ्तर के बीच का अंतर बेहद अहम है।
इस निर्णय में जस्टिस चंद्रचूड़ ने माना कि निजता का अधिकार असीम नहीं होता। चूंकि जज संवैधानिक पद पर हैं, इसलिए उनकी निजी संपत्ति की जानकारी को बताने से उनकी निष्पक्षता पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। मुख्य न्यायाधीश की आरटीआई के अधीन लाने से एक अहम तनाव उजागर होता है। सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार के बीच का तनाव एक कानूनी हक है, आरटीआई एक कानूनी हक है। दूसरा संवैधानिक हक है, निजता का अधिकार संवैधानिक हक है। दोनों ही मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है। आरटीआई से सरकार नागरिक के प्रति पारदर्शी होती है, जिससे आम नागरिक सत्ता को कुछ हद तक अपने काबू में रख सकते हैं। 2005 में जब सूचना का अधिकार पारित हुआ, कुछ समय बाद मेरा बड़वानी मध्य प्रदेश में जाना हुआ। वहाँ के एक साधारण ग्रामीण ने मुझे बताया कि किस तरह पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें पंचायत सचिव के पीछे पीछे भागना पड़ता था। लेकिन आरटीआई के तहत आवेदन करने के बाद पंचायत सचिव उनके पीछे भाग रहे हैं। याद रखिए, आप कोई भी, जैसे आपके यहाँ का सरपंच हो, विधायक हो, या सचिव हो, या कोई मंत्री है कोई भी, अगर आप उससे कोई आपका काम है अगर नहीं सूचना दे रहा है, तो आप इसके जरिए, आरटीआई के जरिए मांग सकते हैं सूचना। और मेरा मानना है कि अगर आप देश के जागरूक नागरिक हैं, तो आपको हर किसी से अपने हक के लिए इस सूचना का प्रयोग करना चाहिए, अधिकार का। अगर आपके गांव का सरपंच से लेकर कोई भी है, एक्स वाई जेड, कोई अगर आप कहीं जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं या किसी ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ कोई अधिकारी सूचना नहीं दे रहा है, तो आप इसके जरिए ज़रूर मांगें। जवाब, चलिए आगे देखते हैं। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आरटीआई एक बड़ा हथियार है। इसके उपयोग से नीति के स्तर पर कई बड़े खुलासे हुए। उदाहरण के तौर पर 2008 में हमें आरटीआई के तहत मिली जानकारी में से पता चला कि कुछ निजी कंपनी वाले सांसदों के स्कूलों में गर्म मध्यान्ह भोजन की जगह बिस्कुट देने के प्रस्ताव का विचार कर रहे हैं। साथ ही कई निजी मामलों में भी जानकारी प्राप्त करने में मदद मिली है, जैसे कहीं किसी का दाखिला क्यों नहीं हुआ या नौकरी से इनकार क्यों किया गया। यहाँ आप लोगों को बता दें, जैसे आपके स्कूल में कोई टीचर नहीं आ रहा है, वो नहीं बताता है, तो आप इसके जरिए मांगिए। आपके स्कूल में अगर कहीं आसपास में खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है, मध्याह्न भोजन नहीं, किताबें नहीं मिल रही हैं, तो आप पूछिए, ज़रूर पूछिए। यार, देश के जागरूक नागरिक बनिए, अपना भी योगदान दीजिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो घर घर नहीं आ सकते हैं ना, आप लोगों को भी तो कुछ आगे बढ़ना होगा, तभी कुछ होगा। मेरा मानना है ऐसा कि अगर सबसे नीचे तबके का व्यक्ति अगर जागरूक हो गया, तो वो अपनी समस्या का खुद ही हल निकाल सकता है। ठीक, हालांकि आगे देखते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से आरटीआई को भी अलग अलग तरीकों से कमज़ोर किया गया। जो जानकारी सरकार को कानून की धारा 4 के तहत वेबसाइट पर उपलब्ध करवानी होती है, उसे नहीं डाला जाता। आरटीआई के तहत मांगने पर भी नहीं मिलती। पहली अपील के बाद यदि आप भाग्यशाली हैं तो उपलब्ध करवाई जाती है। इस सब के बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर से उम्मीद कायम करता है। दूसरी तरफ निजता का अधिकार, जिससे आम नागरिक अपने आप को सरकार द्वारा अपने निजी जीवन में बेधड़क ताक झांक से बचाता है। निजता को 2017 में 9 जजों की पीठ ने संवैधानिक हक माना। इस दशक के सबसे बड़े मुकदमों से में से एक निजता के अधिकार का केस था। निजी और सार्वजनिक जीवन में इसकी अहमियत उजागर करना कुछ हद तक मुश्किल भी है। कुछ लोगों का मानना है कि उनका जीवन खुली किताब की तरह है और इसमें किसी भी तरह की किसी के द्वारा ताक झांक से कोई हानि नहीं होगी। यदि किसी को ताक झांक से आपत्ति है,
तो जरूर वे व्यक्ति कुछ गलत कर रहे हैं। यह समझना है कि यह क्यों गलत मुश्किल नहीं है। यदि आप कपड़े बदल रहे हैं तो क्या आप चाहेंगे कि कोई आपको देखे? आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपने एक सीमा तय की है जिसके अंदर आप किसी और को नहीं आने देना चाहते। यदि निजता का हनन होता है तो वह हमारी स्वतंत्रता का हनन है। निजता के कई पहलू हैं, शारीरिक निजता और वैचारिक निजता, जो और भी जरूरी है और इसे संविधान में भी मौलिक अधिकार के रूप में माना गया। खुले मन से बिना रोक टोक के सोचने पर, सवाल उठाने पर, देख रेख होने से ह्यूमन रेस की प्रगति पर रोक लग जाएगी। दोनों हक लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, आरटीआई और निजता का अधिकार। यदि आप आरटीआई के तहत अर्जी लगाते हैं तो क्या चाहेंगे कि आपसे आधार एर या पैन नंबर मांगे? इन्हें आपके जीवन में अन्य पहलुओं से जोड़ा गया है जिससे आप सवाल पूछने में संकोच करेंगे। निजता का अधिकार हमारे जीवन के अधिकार को सशक्त करता है। दोनों का दायरा तय करना हो कोई आसान सवाल नहीं है। ज़रूरत है कि दोनों की अहमियत को समझें और इस जाल में ना फंस जाएं कि एक दूसरे से ऊपर है। सूचना का अधिकार नागरिक के हाथ में सत्ता के खिलाफ आक्रामक हथियार है, तो निजता के हथियार हमारे हाथ में रक्षात्मक हथियार है। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार से संबंधित आर्टिकल। आपको बता दें हमें आप कि जब हमारे ही कर के पैसे से, टैक्स के पैसे से देश के हर कोई भी हो, सेक्रेटरी हो या मतलब सरपंच से लेकर कोई भी बड़े पद तक, वो हमारे ही पैसे से ऐश कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो हमें अपना पैसे का हिसाब मांगना चाहिए ना। देखा हो कि किसी भी घर में अगर मालिक के पैसा खर्च करते हैं तो उसके मालिक को पूछने का हक रहता है कि कहाँ कैसे पैसा खर्च किया है। तो आप लोग भी जागरूक बनिए, अपना सहयोग दीजिए।